खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा उतार कर देखो तो सारा हिंदुस्तान खतरे में है। ये शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जब इसकी ज़रूरत होती है तब तब ये बोला जाता है, और जब हम देखते हैं कि ना इसमें हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है बल्कि इंसानियत का कत्लेआम होता है। और इस बात पर यह शेर पढ़ा जाता है और लोगों को ये मैसेज दिया जाता है कि वो ज़रा समझें, धर्म से उठकर इंसानियत का धर्म जो सर्वोपरि है उसको समझें। दरअसल धर्म बदलने की ज़रूरत हमें पड़ती ही क्यों है? क्या किसी ने कभी सोचा है कि आखिर धर्म बदलने से क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और ये धर्म बदलना ही क्यों है जब देश में हमारे अपने धर्म का कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो उसे पालन करने की पूरी आज़ादी है, तो फिर क्यों उसे ज़रूरत पड़ती है कि किसी दूसरे धर्म को अपनाना पड़े? क्या लोग गरीबी का फ़ायदा उठाकर, क्या राजनीति के अंतर्गत उन लोगों को लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, घर वापसी जैसे आंदोलन चलाए जाते हैं? क्या माजरा है? सोचने वाली बात है कि आखिर ये सब क्यों किया जाता है। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर ये मुद्दे अब आम हो चले हैं। ना केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पर समय समय पर धर्म परिवर्तन, घर वापसी की खबरें सामने आती रहती हैं। एक ताज़ा खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं, दलितों ने किया धर्म परिवर्तन। खबर है, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले मुसलमानों से लड़वाते हो फिर नीचा दिखाते हो। ये वार उन्होंने किस पे किया है? सोचने वाली बात है, क्या पहले मुसलमानों से लड़वाते हो और बाद में नीचा दिखाते हो? आखिर ये दलित ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो बीजेपी पर वार कर रहे हैं? क्या वो किस पर कह रहे हैं कि पहले मुसलमानों से लड़वाते और उसके बाद नीचा दिखाते हो? किससे? बीजेपी से कह रहे हैं, शिवसेना से कह रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? दलित आखिर क्या मांग कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों ने आरोप लगाया है कि जब हिंदू मुसलमान, यानी कि जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तब उन्हें मुस्लिमों से लड़ाया जाता है और उसके बाद उन्हें छोटिया नीच भावना से देखा जाता है, जिसके चलते उन्होंने गांव में धर्म परिवर्तन कार्यक्रम किया। यानी कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, इससे ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि उसने किसकी तरफ इशारा किया है, किस पार्टी को घेरा है, किस समुदाय को घेरा है, कि पहले तो हिंदू मुसलमान जब दंगे होते हैं तो उन्हें मुसलमानों से लड़ाया जाता है। और कौन लड़ाता है, ज़रा ये सोचिए कि कौन लड़ाने के पीछे है, कौन दंगा करवाने के पीछे है, कौन उकसाने के पीछे है, कौन भड़काने के पीछे है? पहले अपना राजनीतिक पार्टियां मतलब निकाल लेती हैं, हिंदू मुसलमान दंगे में दलितों को भी लड़वाती है, मुसलमानों से, हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से लड़ाती है, और उसके बाद उन्हें नीच भावना से देखा जाता है। ये कैसा दोहरा रवैया है सरकार का, पार्टी का या नेताओं का? ताज़ा खबर मैं आपको बता दूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरठ का मामला बहुत उठा, जहां पर 16 लोगों के धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले से हड़कंप मच गया था। और अब ताज़ा मामला है बागपत का। बागपत जिले के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र का है, जहां हिंदू धर्म में छुआछूत और दबंगों की दबंगई का आरोप लगाकर दलितों के 5 परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। वही धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस का कहना है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। पुलिस का रवैया आप इसमें देखिए, पुलिस का कहना है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है, जबकि पुलिस ये नहीं देखेगी कि आखिर वहाँ इस घटना से क्या और अंजाम हो सकता है, इस घटना से क्या वहाँ पर मैसेज आ सकता है कि वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है, ये देखने वाली बात है। सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र के अगर माने तो 5 दलित परिवारों के कई लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन करने वालों में छोटे बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले दलित परिवारों ने हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजा पाठ को ढकोसला बताया और हिंदू धर्म में उनके साथ छुआछूत और दबंगई का आरोप लगाते हुए हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी कि वो हिंदू धर्म से परेशान हो गए। ये खबर साफ कह रही है कि कितनी जाति इन्होंने सही है। दलितों ने आरोप लगाया कि जब हिंदू मुसलमान दंगा होता है तब उन्हें मुसलमानों से लड़ाया जाता है।
और उसके बाद उन्हें छोटी या नीच भावना से देखा जाता है, जिसके चलते उन्होंने गांव में परिवर्तन का कार्यक्रम रखा। गांव में बकायदा पंडाल लगाकर धर्म की दीक्षा ली गई, जिसमें गांव के गौरव के इनमें सभी लोग शामिल हुए और उन्हें बौद्ध धर्म से आए महाराज ने भंते ने दीक्षा दिलाई। अब मैं आपको इसका एक ताज़ा और जीता जागता उदाहरण दिखाता हूँ। वैसे तो आगरा अपने ताजमहल की वजह से मशहूर है, ताजमहल अजूबे की वजह से मशहूर है, लेकिन वो हाल ही में किस वजह से मशहूर हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ शिवसेना नेता ने उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया, उनका दावा है, शिवसेना नेता का दावा है कि उन्होंने मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू बनाया। और अब देखिए उनके बाद धर्म परिवर्तन कराने के बाद शिवसेना नेता का क्या कहना है, देखिए खास रिपोर्ट। का कार्यक्रम दिया गया 19 जून 1966 को हिंदुत्व की रक्षा के लिए शिवसेना संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने मुंबई की धरती से शिवाजी पार्क में आज के दिन शिवसेना का गठन किया था। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बाला साहब ने की थी, उसी को लेकर आज 52वें स्थापना दिवस पर शिवसेना आगरा के द्वारा हिंदुत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए और हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में जनगणना के दरमियान देखा गया था कि हिंदुओं की संख्या नित्य प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसको देखते हुए शिवसैनिकों ने हिंदुओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कई अनेकों कार्यक्रम शहर में चला रखे हैं। उसके तहत घर वापसी का कार्यक्रम शिवसैनिकों ने किया है और बड़े प्रयास करने के बाद हिंदू बनने के लिए लोग अन्य समुदायों से अपने घर वापसी के लिए तैयार हैं और कुछ लोग आज हम लोगों ने उनको घर वापसी कराकर हिंदू बनाया है। कितने ऐसे घर वापसी है जिनको आज आपने हिंदू बनाया? 12 लोग हम लोग आज घर वापसी करा रहे हैं और करीब 22 लोग हमारे संपर्क में हैं, कुछ लोग उन्हें भी वापस करा देंगे हम लोग। ये जो आपके बगल में जो दूल्हा बैठा है, इसका क्या औचित्य है? औचित्य यह है, ये लड़की मुस्लिम है और इसने हिंदू से प्यार किया और इसने कहा कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ, मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे, मुझे हिंदुओं से प्रेम है, अपने धर्म से प्रेम है, तो मेरा धर्म प्रवर्तन कराकर आप हिंदू मुझे बनाइए। इन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से शादी करी, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, आज हमारे बीच में है। क्या और भी ऐसी मुस्लिम बेटियों को आप हिंदू बनाएंगे? मुस्लिम बेटियाँ जो जो इच्छुक हैं, जो जो चाहती हैं घर वापसी करना, जिनके पूर्वज हिंदू रहे हैं, हम उनके लिए प्रयास करेंगे, हम घर वापसी का काम करेंगे उनके लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से वहाँ शिवसेना नेता का ये दावा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर अगर समाज में हर किसी को सबको बराबर आंका जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर नापा जाएगा, तो शायद इन जैसे अभियानों की, इन जैसे कार्यक्रमों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश में भले विकास की बात की जाती हो, चांद पर पहुंचने की बात की जाती हो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात की जाती हो, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत ये कार्यक्रम बयां करते हैं। जब सच्चाई सामने आती है कि यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, ये सिर्फ दावे हैं, जुमले वादे हैं, जिन्हें जुमले कहा जाता है, वही असल बात है कि आखिर में ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है कि किस तरह सबका साथ सबका विकास लिया जाता है। और यहाँ दलित खुद बीजेपी की पोल खोलते नज़र आ रहे हैं कि वो कहते हैं जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तब उन्हें मुसलमानों से लड़वाया जाता है और बाद में खुद उन्हें नीच भावना से देखा जाता है, जिससे वो तंग आ गए हैं और उन्हें ये धर्म छोड़ना पड़ा है। आखिर क्या ज़रूरत थी उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने की? सोचने वाली बात है। क्या वहाँ पर माहौल नहीं बिगड़ सकता? सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन है धर्म बदलवाने के पीछे? कौन सी पार्टी है वो जो लड़वाती है? कौन सी पार्टी है वो जो उकसाती है? कौन सी पार्टी है जो वो नीच भावना से देखती है? कौन सा धर्म है जो नीच भावना से देखता है? और कौन है इन सब के पीछे? तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अब जब भी मुलाकात होगी आप
वोट देने अगर जाइएगा आने वाले चुनावों में, वोट देने आप जाइएगा तो ये सोच के दीजिएगा कि आखिर ये कौन से किन किन मामले और इनके पीछे कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।